नमस्कार। बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। देश से जुड़े मुद्दों पर बोलने से जावेद अख्तर यूं तो कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन इस बार जावेद अख्तर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल हाल ही में जावेद अख्तर ने बुली बाई ऐप और धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जावेद अख्तर ने कहा, महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है, धर्म संसद में 20 करोड़ भारतीयों के नरसंहार की बात की जा रही है, क्या यही सबका साथ है? जावेद अख्तर ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए ट्वीट कर लिखा, 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है, तथा कथित धर्म संसद सेना और पुलिस को लगभग 200 मिलियन भारतीयों के नरसंहार की सलाह दे रही है। मैं हर एक की चुप्पी, खासतौर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी से हैरान हूं, क्या यही है सबका साथ? अब जावेद अख्तर की ये बातें सुनकर कुछ लोग भड़क गए। उनके इस सवाल के बाद उनकी ट्रोलिंग जमकर शुरू हो गई। लोग उनसे पूछ रहे हैं, तुमसे ज्यादा इच्छुक हैं इस ऐप के पीछे के शातिरों के नाम जानने के? वैसे ऐसी भावनाएं एलजे पीड़ित बच्चियों और पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जागती तुम्हारी? तब या तो चुप रहते हो या जायज ठहराने की कोशिश करते हो। एक और यूजर ने लिखा, अख्तर साहब आप इसी के लायक हैं। जब ओवैसी ने 80 करोड़ हिंदुओं को धमकी दी तब तो आपने विरोध नहीं किया, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तब तो आप चुपचाप तमाशा देख रहे थे, ये गलती आपकी नहीं आपके नाम की है। एक और यूजर ने लिखा, आप उस कुरान पर चर्चा क्यों नहीं करते जिसमें मूर्ति पूजकों गैर इस्लामिकों को मार डालने का आदेश है? जजिया, हलाला, तीन तलाक, बच्चियों से निकाह आदि पर कभी क्यों नहीं बोलते? इतनी उम्र हो गई और आज तक ये सब चीजें इस्लाम में होती देखते रहे, शर्म भी नहीं आई? एक और यूजर ने लिखा, जावेद साहब आपने बोल दिया, काफी है, पीएम को वैसे भी कौन पूछता है, क्या आप पूछते हैं उनको? नहीं, अन्यथा कभी तो कोई अच्छी बात भी कहते पीएम के बारे में। दुख की बात है कि हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा कलाकार जो एएमयू से तालीम हासिल करके सिर्फ अपने देश के पीएम में खामियां ही ढूंढता रहता है। एक और यूजर ने लिखा, जब बंगाल चुनावी हिंसा के बाद पीएम कुछ नहीं बोले उस पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? मतलब जब जब आसमानी किताब को मानने वालों को तकलीफ हो तब तब पीएम आकर सफाई दे। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हें और कहीं कुछ नजर नहीं आता है क्या? तुमने अभी ओवैसी वाले बयान पर कुछ नहीं बोला, बंगाल में इतनी हिंसा हुई कुछ नहीं बोला, पालघर में साधुओं की हत्या हो गई तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ये दोगले लाते कहां से हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें तो भारतीय कहने में भी शर्म आती है। तो देखा आपने, पीएम मोदी से सवाल करना जावेद अख्तर को किस कदर भारी पड़ गया। बता दें हाल ही में बुलीबाई नाम से एक ऐप सामने आया है, ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही हैं। बुलीबाई ठीक उसी तरह से बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुली डील्स बनाया गया था। सुली डील को गिटहब पर लॉन्च किया गया था। हाल ही में शिकायतकर्ताओं ने इस ऐप के डेवलपर की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई में FIR होने के बाद मामले की जांच चल रही है और गिटहब से अकाउंट बंद करवा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड से 18 साल की एक लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसे बुलीबाई का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इससे पहले पुलिस ने विशाल झा नाम के शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया था। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।